सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों दे वल। कनेडा च खालिस्तानी आगू हरदीप सिंह निज्जर का गोलियां मार के कतल। कनेडा तक गुरुद्वारे के बाहर मारी गई गोलियां, दो अणपछातियां ने मारियां गोलियां। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 विच एक नवी धारा जोड़न ते पखिया विवाद, एसजीपीसी ने की निंदा। राजस्थान च होर तबाही मचावेगा बीपर जोए, अगले 12 घंटिया तक होवेगी खतरनाक स्थिति। पंजाब च भी अलर्ट जारी। कनेडा तो एक वड्डी खबर सामने आई। इत्थे रह रहे खालिस्तानी पक्षी आगू हरदीप सिंह निज्जर दा ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे सरी शहर दे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहब दे बाहर गोलियां मार के कतल कर दिता गया। निज्जर वक्खवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस नाल जुड़िया होया सी, जो भारत च पाबंदी शुदा है। उस सरी के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहब का प्रधान से, उसने ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने में अहम भूमिका निभाई सी। नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी ने पहला निज्जर खिलाफ कथित तौर पर अतवादी हमलों की साजिश रचन के दोष से चार्जशीट दायर की। भारत ने कनेडियन अधिकारियों पंजाब च अतवादी कार्रवाइया में कथित शमूलियत निज्जर विरुद्ध कार्रवाई करने लिए कहा गया। सीएम भगवंत मान के ऐलान से एसजीपीसी का इतराज सामने आया। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एक्ट 100 का स्टेट नू कोई अधिकार नहीं है, गुरबाणी प्रसारण से विवाद खड़ा करना तरसयोग है। भगवंत मान नू धार्मिक मामलों से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे कहा कि धार्मिक मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सीएम मान अरविंद केजरीवाल के सूबेदार ना बनन। दस दिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भलके एक इतिहासिक फैसला लेंगे। इस संबंधी एक ट्वीट जानकारी देंदे उन्होंने दसी है कि समूह संगतों की मांग अनुसार असी सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 एक नवी धारा जोड़ रहे हैं कि श्री हरिमंदर साहब तो गुरबाणी का प्रसारण सब लिए मुफ्त होगा, इसलिए किसी टेंडर की लड़ नहीं है। मंत्रिमंडल 20 जून विधानसभा प्रस्ताव आएगा। मुख्यमंत्री मान के इस ट्वीट तो बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। आज मैं किसी की कोई वकालत नहीं करता, पर कोई बंदा बांह खड़ी करके कहे कि जिहड़ी अज लाइव चल रही उहदे विच कोई एक आना लैंदा उहनां कोलों, कोई उहनूं चार्ज देने पैंदे इस चैनल लई? जे बाकियां लई देने पैंदे इहदे लई कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ। पहलां तां लोकां दे मनां चों इह गल निकल जाए, इहनूं बड़ा वड्डे पद्धर ते छालिया जा रहा, इहदा पोलीटिकल कारण कर दित्ता इस मुद्दे दा। इह धार्मिक गल्लां आ भगवंत मान जी, इहनां नूं आपां राजनीतिक छाले दे विच ना लियाईए। इहदे ते आपां राजनीति करांगे फिर मेरा ख्याल आ आपां अवेसले रहांगे। सो पहली तो गल ये आ भी ये बिल्कुल वर्ल्ड वाइड जा रहा, उहदे विच कोई पैसा किसी कोलों नहीं लिया जा रहा। तो हुण जिहड़ा जुलाई दे विच ये पूरा हो जाना चैनल, देखो दो तरह ना, पहला सी भई इन्हां दा जन्म सिद्ध अधिकार आ, हुण असीं ओपन टेंडर किते, हुण असीं ओपन टेंडर नहीं होण देने। कि मैं पुछना चाहुंदा भई हुण ये धर्म दे विच सिद्धी दखलदाजी नहीं कि लोगियां दूजियां सरकारां नूं कोसदे आ, ते फिर हुण सचखंड दे विच इह अमृत गुरबाणी दा प्रसार जाणा, ते हुण तुसीं तां सिद्धी आ के मैं समझदा सीधे लफ्ज़ां दे विच आ के सीधी शुरुआत कर दित्ती आ। इदों वड्डी दखलंदाजी होर की हो सकदी आ कि एक धार्मिक मुद्दे नूं राजनीतिकरण करके जिहदा कोई अधिकार भी नहीं गा उहनूं आपां असैंबली दे विच लिजा रहे हां। सो इह मैं इन्हां दे एक्ट नूं हाईली कंडैम करदा। नाल इन्हां नूं इह भी कहना चाहुंदा कि इह 103 साल दे विच बड़ियां सरकारां आईयां ते बड़ियां सरकारां गईयां, किसे ने हीहा नहीं कीता। जे टुक मात्र हीहा किसे ने कीता भी आ, उह करन तों बाद फिर उहनूं अपने पछतावे दे हंझू जिहड़े बहाउणे पए। पहलां भी इक वारी जतन होया सी, पर उह जतन करके पिछे नूं मुड़ पए सीगे।
सो इस करके नवी तो नवी रोज़ छेड़ छेड़नी वो चंगी नहीं मुख्यमंत्री साहब। तो मैं निम्रता सहित बेनती करदा कि यहो जे कार्ज जिहड़े आ इहनू लड़ाई अकाली दल वर्सेज आ सरकार ना बनाओ, ये श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मसला समर्थ आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक PTC दे चैनल नू लैके तुसी रोज़ महारा जिहड़ा ये जादू आई जी जिहड़ा चक्कर चला रहे हैं ये ठीक नहीं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, असी आप सारा मुलांकन कर रहे हैं, पर मैं बार बार इस गल्ल ते कर रहा भी कोई एक बंदा कहे कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी लाइव टैलीकास्ट है वो कोई पैसा लिया जाता। सो इस करके सरकार बिल्कुल अवेसली ना हो, जे अवेसली होई फिर वो आप जिम्मेवार होगी। ये सिख गुरद्वारा एक्ट के तहत चुन के सारे मैंबर आते हैं, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी स्टैचुटरी बॉडी आ, ये अपने अधिकार आ जी भावें तुम्हें हाई कोर्ट की जजमेंट दी आ, ये हाई कोर्ट की जजमेंट हेल्ड ये होया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर वो प्रबंध कर सकती, तो उन्होंने पूर्ण अधिकार आ। अफ्रीका के मध्य च एक दरार का आकार लगातार बढ़ रहा है, इस दरार के सामने आने तो बाद देश के दो हिस्सों में वंडन का खतरा पहला नालों बढ़ गया। मार्च के शुरू में इस दरार का खुलासा होया सी, उदों करीब 56 किलोमीटर लंबा पाड़ दिखाई दिता सी, पर जून तक यह पाड़ होर भी लंबा हो गया। लंडन की जियोलॉजिकल सोसायटी के अनुसार घाटियां का एक लंबा नैटवर्क लाल सागर तो मोजाम्बिक तक लगभग 3500 किलोमीटर तक फैलिया होया, सारा इलाका हौली हौली एक वड्डी दरार में तब्दील होता जा रहा है। जानकारी मुताबिक इस दरार च नवा समुद्र बन सकता है। इस लंबे चौड़े पाड़ के कारण पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि हुण अफ्रीका दो हिस्सों च वंडिया जाएगा, जेकर अजिहा हुंदा है तां कदों होगा। भू विज्ञानी इस सवाल के जवाब की भाल च इकट्ठे होए ने, इस दे लई विज्ञानियों ने टेक्टोनिक प्लेटां का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बंगलादेश के जलाद भुइयां नूं जेल विचों रिहा कर दिता गया, उसनू 1991 विच चोरी डकैती ते कतल दे दोष च 42 साल की सज़ा सुनाई गई सी। इस तो बाद उसनू 2001 च जेल विच जलाद वजों नियुक्त किया गया सी। इस दौरान उसने बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान के कातलों समेत 26 दोषियों ते जंगी अपराधियों नू फांसी दिती सी। इस कारण भुइयां नू पूरे बंगलादेश च खतरनाक जलाद वजों जाने जाण लगा। उसनू हर फांसी लई 2 महीने की राहत दी गई सी। उस तो इलावा चंगे विहार लई सरकार ने उसकी 10 साल की सज़ा भी माफ की। भुइयां डकैती ते कतल दे मामले च 3 दहाकियां तो बाद समय दी सज़ा कट्टण तो बाद बाहर आया। शाहजहां भुइयां ने ढाका केंद्रीय जेल चो बाहर आउण ते मीडिया नूं दस्सिया कि बहुत चंगा महसूस कर रहे। 1991 विच उसनूं कतल ते डकैती दे दोष च 42 साल की सज़ा सुनाई गई सी, ते 2001 विच उसनूं जेल प्रशासन द्वारा जलाद दा काम सौंपिया गया। भयानक गर्मी ते लू दा कहर कई सूबियां विच जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा च गर्मी लू के कारण होने वाली बीमारियों के सदका कई लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के वख-वख हिस्सों च जारी तेज गर्मी ते लू कारण 8वीं जमात तक के सारे स्कूलों नूं हुण बुधवार तक बंद रखने के हुक्म जारी हुए हैं, जदों की 9वीं तो 12वीं जमात तक क्लासां सवेरे 7 बजे तो लैके 11 बजे तक चलनगियां, ते इस तों पहलां 8वीं जमात तक के स्कूलों नूं 17 जून तक बंद रखने के हुक्म दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले च पिछले 3 दिनों च भयानक गर्मी ते लू कारण 54 लोगों की मौत हो गई। उधर मुख्य सेहत अधिकारी ने दावा किया कि जिले च हुण तक 2 लोगों की मौत हुई है, बाकी मरीजों की मौत होर कारणां करके हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के जंगलात खेत्र में सुरक्षा फोर्सा ने एक चट्टान के हेठां वड्डी मात्रा में काफ़ी साल पहला लुको के रखी गई विस्फोटक समगरी बरामद की है। अधिकारियों ने जानकारी दिंदे दसिया है कि पुलिस से सुरक्षा फोर्सा की संयुक्त तलाशी मुहिम दौरान सेरा चौबाना जंगल तो यह बरामदगी हुई है। उन्होंने दसिया कि विस्फोटक समगरी चट्टाना के हेठां मिली है, जो 2 दहाके पहला अतवादियों वालों लुका के रखी गई सी। विस्फोटक समगरी के कई हथ गोले भी शामिल ने। अधिकारियों ने दसिया कि बंब को नकारा करने वाले दस्ते दे माहिरां ने कंट्रोल विस्फोट चे इन्हां विस्फोटकां जिन्हां दी गिनती 50 सी नूं नष्ट कर दित्ता।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले च धर्म परिवर्तन नू लेके हंगामा हो गया। दरअसल इत्थे कि इलाके दी औरतां ने धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा के एक औरत ते लड़की की जम के कुटमार की है, जिसका वीडियो भी वायरल होया। वीडियो वायरल होंदे ही सिंधु संगठना ने इसका विरोध करना शुरू किया। मामला मोहन नगर थाना खेतर दा है। जानकारी अनुसार उरला बस्ती में एक औरत के घर प्रार्थना सभा करवाई जा रही थी। मोहल्ले दी औरतां नू जिवें ही इसकी सूचना मिली तो औरत के घर पहुंच गया, जिथे प्रार्थना सभा चल रही थी। उत्थे पहुंचदिया ही औरतों ने ना सिर्फ हंगामा किया सगो प्रार्थना सभा कर रही एक मुटियार ते औरत नू कुटना भी शुरू कर दिया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उत्तरी रेलवे दे दिल्ली डिवीजन हेडक्वार्टर च डिवीजनल ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा किया। मुहारत भरपूर रेलवे संचालन ते सुरक्षा के महत्व से जोर दिता। उन्होंने डिवीजन के उच्च अधिकारियों नाल कुंभ दी तैयारियों ते भी मीटिंग की है। कुंभ के मेले में 15 करोड़ तो वध श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उन्होंने दस्सिया कि जनवरी 2025 के 6 मुख्य इशनान वाले दिनों से तीर्थ यात्रियों 800 तो वध मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो रेल मंत्री इतने लगभग 3 घंटे रहे थे। कर्मचारियों अधिकारियों तो मूविंग ब्लॉक योजना कुशल रेल संचालन नाल जुड़िया चुनौतियां ते होर मुद्दों बारे जानकारी ली। पुलिस विच फाजिलका दी एसएसपी दे अहुदे ते तैनात अवनीत कौर सिद्धू कॉमनवैल्थ ते एशियन गेम्स विच मैडल जितने वाली ते अर्जुन पुरस्कार जितने वाली पहली पंजाबी शूटर है। ओलंपिक खेडां च हिस्सा लैण तो पहला उन्होंने एक दर्जन विश्व कप खेडे ने। जदों उन्होंने शूटिंग विच अपना नाम बनाया तो उन्होंने सीधे पंजाब सरकार ने डीएसपी बना दिता। उन्होंने कहना है कि मेहनत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और ईमानदार अप्रोच नाल काम किया जाए तो नतीजे तो सकारात्मक रहणगे ही ते नाल ही नाल समाज में सन्मान का भी आधार रहेगा। पिता ने साल 2001 च अवनीत के जन्मदिन से उन्होंने लिए जर्मनी तो सब तो महंगी राइफल मंगवाई तो तोहफे विच दित्ती। साल 2005 अवनीत नूं उन्होंने भारतीय निशानेबाजी टीम विच चुने जाण लई भी सद्या। गुजरात तो बाद हुण राजस्थान विच तबाही मचा रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बारे भारत दे मौसम विभाग ने नवी जानकारी दिती है। आईएमडी ने आख्या कि बिपरजॉय हुण चक्रवाती तूफान तो दबाव विच बदल गया ते हौली हौली उत्तर पूर्व वाल वधन वाला है। नाल ही विभाग ने दस्सिया कि हालांकि इसकी तीव्रता अगले 12 घंटिया तक बनी रहेगी। इस तो पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव कारण राजस्थान के बाड़मेर जिले के कुछ हिस्सों भारी मीह पिया, कई थावां ते पानी भरन ते हड़ वर्गी स्थिति देखने मिली है। इस दे नाल ही गुजरात में चक्रवात कारण हुई तबाही तो बाद सूबा सरकार को लगभग 1000 पिंडां विच बिजली सप्लाई बहाल करना, सड़कां ते डिगे दरख्तां नूं हटाउणा वड्डी चुनौती है। इस दौरान आईएमडी ने उत्तरी गुजरात विच भारी मीह दी भविखबाणी भी जारी की है। हुण नजर मारदे अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।